नमस्कार आपुनि चाइ आछे लाइव आवार मय जयंत माधव गोस्वामी निर्वाचनर पूर्वे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहर गुरुत्वपूर्ण साक्षात्कार नेटवर्क 18र होय ए साक्षात्कार ग्रहण करे न्यूज 18र ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशीये मुसलमानक ओबीसीर मर्यादा दियाक लै कांग्रेसक तीव्र कटाक्ष करे अमित शाहे বিজেপিয়ে মুসলমান মহিলার উন্নতি সাধন করে ট্রিপল তালাক বন্ধ করা জম্মু কাশ্মীরের পর 370 অনুচ্ছেদ বাতিল করার লগতে ইউসিসি প্রচলন করব বিজেপি সরকারে রাহুল গান্ধীর এক রুল আছে সেয়া হল মিছা কোয়া ডাঙরক কোয়া আর বারে বারে কোয়া অমিত শাহর এই সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার আজি নিশা নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টত সম্প্রচার করা হব एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी इसका इस मैनिफेस्टो नहीं ये कर चुके हैं जी कर्नाटक में उनकी सरकार थी रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ ना कोई कमीशन बना धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है इसी तरह से आंध्र प्रदेश में संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया तो ये किसका कटता है एसटी एससी ओबीसी का ही कटता है जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो शोर शराबा करना बहिष्कार कर देना बोलने नहीं देना डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्या समझते देश की जनता को देश की जनता ये सब नहीं जानती है? देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी आप लोगों को भी पूछना चाहिए नैरेटिव बनाने की ये कोशिश है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करेंगे उसके बाद फिर ओबीसी एससी एसटी के जो है रिजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो बदलाव करेंगे देखिए नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल जी हमारे पास 10 साल से बहुमत है जी संविधान बदलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी को 10 साल से इस देश की जनता ने दी है हमने क्या किया 10 साल हमने कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने का अटेम्प्ट नहीं किया हमने ये बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया यूसीसी लाने में किया अंग्रेजों के कानून बदलने में किया कश्मीर के अंदर शांति करने में किया हमारे पास 10 साल से अधिकार है राहुल गांधी का एक रूल है झूठ बोलो जोर से बोलो और बार बार बोलो वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं।